वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले, वो भी यहाँ पे देख सकते कि 33 लेवल पे ट्रेडिंग करा है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। 40 पैसे की गिरावट यानी कि 1.20% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। आज ओपन तो देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ओपन हुआ था, जैसे ओपन हुआ वही से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा और गिरावट देखने को मिली थी। रिसेंटली 33 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। तो देख सकते हैं 33 लेवल के साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32.95 1% से ज्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर आज देखने को मिले। तो मार्केट कैप देख सकते 36,000 करोड़ के ऊपर है, मार्केट कैप में भी गिरावट देखने को मिले। पी रेशियो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डिविडेंड भी देख सकते कि अच्छा खासा देता है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। पिछले 5 दिनों में तो देख सकते तकरीबन 2.66% की गिरावट देखने को मिले। 33 लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, उसी लेवल को रिसेंटली ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम देखोगे तो 1.71 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के अंदर। तकरीबन ट्रेडेड जो वैल्यू है वो 5,672 लाख की है। बाइंग के लिए 36 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 57 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो देख सकते तकरीबन 1.66 करोड़ में से सिर्फ 58 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए चले गए। ओनली 35% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो देख सकते पीएनबी बैंक के बाकी के डिटेल देखे जाए, चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो चार्ट में तो देख सकते पहले ही एक तेजी देखने को मिली, फिर 134 लेवल पे रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिले। करंटली 133 को भी ब्रेकआउट दिया है और नीचे जा रहा है स्टॉक। तो देख सकते कि 33 के नीचे सपोर्ट क्लोजिंग देता है और कल ओपन भी नीचे होता है तो नीचे और गिरावट होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं 32 लेवल तक। तो लेटेस्ट अपडेट पीएनबी बैंक स्टॉक के लिए।